खरगोन में 30 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहरीली दवा पीने से संदिग्ध की मौत के बाद 30 वर्षीय महिला करमबाई का नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। मायके पक्ष ने बिस्तान थाने के बनूर निवासी नवविवाहिता 30 वर्षीय करमबाई को ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इधर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने बयान दिए। नायब तहसीलदार का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा होगा। पुलिस विवेचना कर रही है। हालांकि पूरे मामले में परिजनों और पति का कहना है कि अज्ञात कारणों के चलते तबीयत खराब हुई थी। महिला का पति बाइक पर बिठा कर खरगोन अस्पताल ला रहा था। इस दौरान रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। इधर मायके वालों का कहना है कि जहरीली दवा पीने से महिला की मौत हुई है। ससुराल पक्ष प्रताड़ित करता था। डॉक्टरों का भी मानना है कि महिला की मौत जहरीली दवा पीने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम 15 दिन पहले भी सूचना दी थी कि भाई भाई का लड़का ने काका का लड़का ने ये उनका छोटा वाला वो जवाई से छोटा वाला ना उनका बाप ने एक बार भी झगड़ा किया था मारे इनको छोरे के। जब भी हम जाने चाहे रहता तो वो छोरे के माता वो कही दी है वो छोरे के माता वो काका के अभी नहीं कही दी। अभी क्या हुआ था, कैसी सूचना मिली आपको? अभी हमको 2 बजे सूचना मिली कि दवाई पी लिए को तो भाई यहाँ तो आता होता हमको कहीं दवाई भाई अभी तो 3 बजे यहाँ 3 बजे 2 बजे हमको मिली थी सूचना। क्या लगता आपको? आपके हमारे भौतिक चीज लगती है। नहीं नहीं आपको क्या लगता है कि ऐसे दवा पी के खुद ने जान दी है क्या? अरे हमको तो नहीं लग रहे ऐसी दवाई पी के जान दी ऐसे नहीं लग रहे हम। क्या नाम है आपका? बनूर। बनूर क्या हुआ, क्या था? कहीं नहीं झगड़ा मगड़ा कहीं नहीं हुआ था। सुबह रोटी खाए साथ बैठ के फिर मैं वो मतलब पेट में कोई दर्द था दस्त मस्त हो रहा था तो बोले कि इंजेक्शन दिलवा के आते। तो मैंने बोला कि खरगोन चलते हैं चाहता हूँ पहले फिर बाद में आए दोपहर में चलेंगे ऐसा बोल के मैं खरगोन आ गया। अच्छा। फिर खरगोन से फिर वापस गए बिस्तर गए ना फिर वो मेरे पास मोबाइल लगा दिए। क्या हुआ था? पाइजन कहाँ? घर पर ही पिया? घर पे। तो कौन था उस वक्त घर पे? उस वो मेरा वो काका का छोरा था। विवाद था कुछ पुराना? नहीं कोई नहीं, लड़े झगड़े नहीं होते थे पहले से मतलब से चलते रहते थोड़ा थोड़ा तो कहीं बंद ऐसा कोई झगड़ा कहीं नहीं था। हम मतलब हम हमारे बोल का तो कोई नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेन नाम। वो पत्नी का क्या नाम था? करम भाई। कहाँ रहते? काम क्या करते? ये चौकी अस्पताल से हमें सूचना मिली थी कि महिला है वो मृत अवस्था में आई है। सब पंचनामा बनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं सिकारे पर। सर ये कैसे महिला की मौत का कुछ कारण? मौत के कारण का पता नहीं चल पाया सर। अभी प्रारंभिक रूप से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि दवाई वगैरह पी है ससुराल पक्ष के द्वारा, लेकिन कारणों का पता पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा। मायके पक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे हैं मामले को लेकर। हाँ मायके पक्ष का कहना है कि दवाई नहीं पी है ऐसा कुछ उन्होंने सूंघ के और ऐसा महसूस किया है कि दवाई नहीं पी रखी है, लेकिन वो पीएम होने के बाद में वस्तु स्थिति क्लियर हो पाई। क्या नाम लिखते सर आप? महेंद्र सिंह दांगी नायब तहसीलदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।